हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का मसाला की टेस्टी रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। और सडनली आपके घर पे गेस्ट आए हों और आपको कुछ बनाना पड़े तो आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ इंस्टेंट बन जाते हैं और बहुत मज़े की लगती है खाने में। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने पनीर लिया है। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। आप पनीर की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको पनीर लेना हो। इसके अंदर मैं ऐड करें 2 चम्मच टिक्का मसाला, तो इससे जो है इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है इसमें हल्दी पाउडर। इनसे जो है इसका कलर अच्छा आएगा। अगर आपको कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टिक्का मसाला ऐड कर दिया इसलिए मैंने वो ऐड नहीं करी। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना ताकि पनीर टूटे ना। इसमें ऐड करना है बेसन। तो यहाँ पर देखिए, मैं 1 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। इससे जो है पनीर अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये जो मसाला है सारा अच्छे से कोट हो जाएगा पनीर पे। तो इस तरीके से इसको मिला लें। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, क्योंकि हम पनीर को जो है इसमें फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसमें जो है एक पीसेस पनीर के रखते जाना है, जितना आए इसमें एक बारी में इतना आप पीसेस रख दें और इसको जो डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। अब देखिए, इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, और इसकी जो मैंने कोटिंग करी थी उसका अच्छा कलर नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छा आ गया है। अब जो है सारे पनीर को इसमें से निकाल लेना ऑयल में से, और ऑयल को थोड़ा सा कम कर लेना है। इसमें ऐड कर देनी है वेजीज। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और प्याज को इस तरीके से यहाँ पर कट कर लिया है। ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं करा, इस तरीके से इसके बस मोटे मोटे छिलके से उतार लिए हैं। और शिमला मिर्च को जो है मैंने क्यूब शेप में कट करा, प्याज को भी। अब इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, निकाल लेना है, कलर चेंज नहीं करना है इसका बिल्कुल भी। साथ ही वही तेल मैंने थोड़ा सा और कम कर लिया। इसके अंदर ऐड करी दालचीनी, छोटी इलायची और यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। अब इस पूरे तड़के को जो है यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक ये फ्राई नहीं हो जाता, इसका कलर नहीं आ जाता, फिर इसमें ऐड कर देनी है प्याज। तो एक बड़े साइज की प्याज को इस तरीके से मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको डालकर जो है यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है। अब देखिए, जब तक हमारी प्याज हो रही है, मैं इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया, इसके अंदर ऐड किया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जो है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी, 1/2 चम्मच जो नॉर्मल लाल मिर्ची होती है वही ऐड करी है मैंने। कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें कलर अच्छा आएगा इसलिए मैंने ये लाल मिर्ची ऐड करी है। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करना है जीरा पाउडर। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अगर आपके पास कोई और सा पनीर का अच्छा मसाला हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको डालकर यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए, प्याज भी जो है अच्छे से यहाँ पर इसका कलर भी अच्छा आ गया। अब मैं ये पेस्ट जो है इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से अगर आप मसालों का पेस्ट बना कर डालेंगे तो ये मसाले जलते भी नहीं है और बहुत अच्छे से जो है फ्राई भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छे से दही में मिक्स कर लिया और ऐड कर देना है इसके अंदर प्याज के। तो देखिए, मैंने मसाले ऐड कर दिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। कलर देखिए कितना प्यारा है। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई। तो ये घर में रखी थी मैंने मलाई, फ्रेश मलाई है एकदम। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्की आंच पे ही इसको रखना है। फिर इसके अंदर ऐड कर देनी है शिमला मिर्च और पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था। इनको मैंने दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया था, और इसको जो है अब ग्रेवी में डालकर मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, मैंने मसाले को ज़्यादा भूना नहीं है और बहुत ईजिली जो है बहुत इंस्टेंट ये बन जाता है, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये डिश बन के तैयार होती है। तो आप इसको एक बार बना कर जरूर ट्राई करें, बहुत इंस्टेंटली बन जाता है। तो देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसाले से कोट कर लेना है, और इसको जो है कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे इस तरीके से ही। साथ ही इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये मलाई की कटोरी थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी खंगाल कर इसमें ऐड कर देना है, और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया दही के साथ मिलाकर। तो मैं आपको दिखा नहीं सकी तो नमक भी ऐड कर दें, कभी आप लोग कहें कि नमक इसमें ऐड ही नहीं किया। अब इसको देखिए, लिड लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक पका लेना है, जब तक इसका तेल जो है सेपरेट नहीं हो जाता और अच्छे से इसका कलर नहीं आ जाता, तब तक इसको पका लेना है अच्छे से। तो अभी जो है ये थोड़ा सा इसमें पानी है एक्स्ट्रा, मतलब ग्रेवी में अभी मिक्स नहीं हुआ, तो इसको थोड़ी देर और पकाना है। लिड लगाकर ही मैं इस पर रख दूंगी और इसको जो है थोड़ा सा ग्रेवी में और पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद जो है हमारा ये बनकर रेडी हो जाएगा पनीर। तो लीजिए, हमारा ये इंस्टेंट पनीर टिक्का मसाला बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये डिश बनकर तैयार होती है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें,
क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी वीडियोस को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।